है गाइस, दिस इज मी सुमित एंड आप देख रहे हैं सुमित टेक न्यूज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के कुछ टिप्स के बारे में, जैसे कि हम पेटीएम से फोनपे ऐप पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा या दूसरे ऐप्स पे कैसे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और लेट अपडेट आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करेंगे तो पेटीएम को पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपके पास पेटीएम लॉगिन नहीं तो उसको लॉगिन कर दीजिए पेटीएम को। इसी वजह से मेरा पेटीएम लॉगिन है, तो इस तरह से आपका दिखाएगा लॉगिन करने के बाद। ओके, अक्सर क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उनके पास मेरे पास मतलब कैश भी नहीं रहता और कार्ड भी नहीं रहता, तो उनके पास अगर मेरे पास पेटीएम है तो उनके पास फ़ोनपे ऐप्स है, तो पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे ये बताऊंगा इस चीज़ में। ओके, तो पहले आपको क्या पे जाना है, पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना, अगर उनके पास पेटीएम है तो चलो ठीक है, उनका नंबर डालने से चल जाएगा। तो यहाँ पे ओपन कर ले तो आप पेटीएम में तो मोबाइल नंबर डाल के दे सकते हैं, अगर आप उनके पास फ़ोनपे है तो आप उनके जो फ़ोनपे का कोड है वो स्कैन करके डायरेक्टली दे सकते हैं। तो मेरे पास मेरा फ़ोनपे का कोड है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, बस इसको आपको स्कैन करना है। ओके, स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे जो उनका UPI ID है यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे आपका ऑर्डर नेम जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा। ओके, तो वेरीफाई कर दे नेम आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे जितना अमाउंट देना है उसका अमाउंट यहाँ पे टाइप कीजिए, बस 10 रुपीज़ जैसे कि आपका 10 रुपये देना है, उसके बाद ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे MPIN डालना है, MPIN डाल कर आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र आ जाएगा। मेरा फेल क्यों दिखाई, क्योंकि मेरा वो खुद का अकाउंट है। ओके, तो आप डायरेक्टली करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो आज करता है बस ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।